द राइट टू हेल्थ बिल 2021, प्रोफेसर मनोज कुमार झा टू मूव ए मोशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ द राइट टू हेल्थ बिल 2021। माननीय मनोज कुमार झा जी। थैंक यू ऑनरेबल डेप्टी चेयरमैन सर। आई मूव द बिल फॉर डिस्कशन टू प्रोवाइड फॉर हेल्थ एज अ फंडामेंटल राइट to all citizens and to ensure equitable access and maintenance of a standard of physical and mental health conducive to living a life in dignity and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration sir। motion moved। aap kuch bolna chahenge jha sahab to is par bol ji। शुक्रिया आदरणीय उपसभापति जी। इस बिल के पीछे, बिल मैं लेके आया हूँ, लेकिन इस बिल के पीछे सदन के कई सदस्य जो आज नहीं हैं, भाजपा के हों, ट्रेजरी बेंच के या अपोजिशन के, हम सब ने सेंट्रल हॉल में कोविड के महामारी के बाद कई दफ़े इस पर चर्चा की। तो ये निहायत ही मैं व्यक्तिगत बिल नहीं मानता, एक सामूहिक सोच, एक सामूहिक दृष्टिकोण, एक सामूहिक प्रसंग के वश इसका जन्म हुआ। सर, दूसरी लहर के दौरान मुझे स्मरण है आज से ठीक एक वर्ष पूर्व 21 जुलाई 2021 को इस सदन में कोविड पर चर्चा हुई थी। कोविड की महामारी से क्या क्या खत्म हुआ, तो कहीं ना कहीं जब मैं आज बोलने को खड़ा हुआ हूं तो ये भी लगता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं। सर, उसी दौरान जब सदन में भी चर्चा हो रही थी, मैं बिहार गया था और वहाँ पर भी जो हम लोगों ने कहर देखा, किसी सरकार का कोई दोष न कह करके एक व्यवस्था के चरमरा जाने के हम साक्षी रहे, हम गवाह हैं उस ऐतिहासिक क्षण के जब हमारे हाथ से चीज़ें फिसल रही थी। तो बिहार विधानमंडल के कुछ सदस्य और हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, हम लोगों ने सोचा कि इस पर कुछ काम किया जाए। उसी दृष्टिकोण से इस बिल का जन्म हुआ जो मैंने पहले कहा, और आज आपके समक्ष इन चीजों को लेकर के आया हूं। सर, स्वास्थ्य को लेकर के हमारा दृष्टिकोण नियतिवादी दृष्टिकोण रहा है, जीवन को लेकर के हमारा दृष्टिकोण इस देश में नियतिवादी रहा है। डेस्टिनी, जान, मृत्यु हो गई, उसको जाना था। मैंने एक वर्ष पूर्व इसी सदन में कहा था कि हमारे जो दो सदस्य गए इस दुनिया से कोविड की महामारी में, उनका जाना नहीं था। सर, सरकार के खुद के आंकड़ों के मुताबिक 3.25 लाख लोग कोविड के नाम से कोविड में काल कवलित हो गए। सर, मेरा अभी भी मानना है और आप में से अधिकांश लोग मानेंगे कि यह मौत सिर्फ महामारी से नहीं हुई, ये मौतें हुई हैं व्यवस्था के चरमराने से। शायद हमारी व्यवस्थाएं इतनी इलास्टिक, इतनी वाइड, उनका एम्बिट इतना विशाल नहीं था कि वो उस सब चीज को समाहित कर सके जिसने कोविड ने हमें एक चैलेंज के रूप में दिया था। सर, मैं एनएफएसएस का डेटा देख रहा था और वो डेटा हम सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। किसी राज्य में किसी की सरकार है, केंद्र में किसी की सरकार है, और अक्सर हम इस बात को कह करके आंख मूंद लेते हैं कि स्वास्थ्य तो राज्य के क्षेत्र में है, राज्य का मामला है। सर, नहीं, जीवन और मृत्यु हमारे संविधान के अंदर कितने आर्टिकल्स हैं जिसको लेकर के जीवन और मृत्यु के दृष्टिकोण में ये स्टेट, सेंटर और कंकरेंट की अवधारणा को त्यागना होगा, वो क्षण आज है। सर, मैं एनएफएसएस का डेटा, मैं डिटेल डेटा नहीं दूंगा, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी हैं यहाँ बैठे हुए, हम सब वाकिफ हैं कि मैटरनल मोर्टैलिटी रेशियो दुनिया में हम उन देश में हैं, देशों में हमारा नाम है जो चिंता का विषय है। नियोनेटल हो, अंडर 5 मोर्टैलिटी रेट हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, सर, ये सरकार के खुद के आंकड़े हैं, ये चिंता का विषय है। ये बिल आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं लाया गया। इस बिल के माध्यम से मेरा आग्रह, मैं जानता हूं प्राइवेट मेंबर बिल कैसे खत्म हो जाता है, उसमें सिर्फ सिवाय चर्चा के कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन मेरी मंशा होगी, मेरा आग्रह होगा, मेरी अपील है तमाम उन लोगों के बिहाफ पे। सर, चाहे आप कहें 3.25 लाख लोग, कई लोग कहते हैं कि नहीं कई लाख ज्यादा थे, मुझे आंकड़े में नहीं जाना है। वो जो भी मौत हुई, वो जो लाशें हमने गंगा और सरयू के किनारे देखी, वो सब आज हमसे ये डिमांड कर रहे हैं कि स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करना चाहिए।
स्वास्थ्य को हम इस नियतिवादी दृष्टिकोण से निकाल करके एक एक ड्यूएबल प्रोपोजिशन में तब्दील करें, और उसके लिए आवश्यक है कि आंकड़े से डरे नहीं, आंकड़ों को कन्फ्रंट करें, और कन्फ्रंट करने के पश्चात एक ऐसी नीति विकसित करें जिस नीति के तहत आगे कभी कोई महामारी आए सर तो हम उस महामारी के समक्ष बेबस ना हो जाएं, हताश और निराश ना हो जाएं। क्योंकि हम सबको याद है सर, कर्फ्यू सा सन्नाटा था पूरे देश में, लेकिन बीच में चीख पुकार आती थी सर, चित्कार होती थी, कभी ऑक्सीजन के लिए, कभी हॉस्पिटल बेड के लिए। उसके पीछे सिर्फ एक कारण था कि हमने कल्पना नहीं की थी, हमारी संकल्पना में, हमारे इमेजिनेशन में, हमारे पॉलिटिकल इमेजिनेशन में स्वास्थ्य को लेकर के जो गंभीर होना चाहिए उसका अभाव रहा। मैं सिर्फ बीते 8 वर्ष की बात नहीं कर रहा हूं, कई वर्षों की गणना होगी जो गंभीर के अभाव की जब गणना होगी, लेकिन वक्त अब है कि हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। सर, कल ही इस हाउस में एक बिल पास हुआ, नहीं चर्चा हो रही, पास नहीं हुआ अभी, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। मैंने कल भी कहा था कि वो एक इंटरनेशनल कमिटमेंट की वजह से उस बिल को गंभीरतापूर्वक लिया गया और उसको पास करने की कोशिश की गई। लेकिन सर, हमारा कमिटमेंट कई चीजों के लिए, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं आर्टिकल 12 इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स, उसके सारे सब क्लॉजेस तमाम सिग्नेटरी देशों पर एक 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 तरह से मैंडेटरी करते हैं कि आप अपने यहाँ की व्यवस्थाएं दुरुस्त करिए और एलिबाई मत ढूंढिए, कारण मत ढूंढिए कि इस वजह से ये दिक्कत है। मैं समझता हूं कि महामारी के दौरान भी हमने देखा कि पॉलिटिकल विल का अभाव रहा। सर, जो सरकार या सरकारें करोड़ों रुपए के इश्तिहार दे सकती हैं, क्या वो ये कह सकती हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है? करोड़ों का इश्तिहार का पैसा कहां से आ रहा है? अगर उन करोड़ों के इश्तिहार के पैसे को हम अगर उसको डाइवर्ट करें इस तरह की चीजों में, तो मुझको लगता है कि परिणाम बेहतर आएगा और हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। माननीय उपसभापति महोदय अक्सर कहते हैं, जब हम डेमोग्राफी की बात करते हैं तो कहते हैं ह्यूमन बींग्स आज वेल्थ। ये सर उसी तरह का एम्प्टी रेटोरिक हो गया है इस देश में, जैसे हम कहते हैं ना कि वुमेन एज गॉडेस, जत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन हम सब जान रहे हैं हर गली चौराहे गांव नुक्कड़ में क्या हो रहा है उनके साथ, हमारा दृष्टिकोण क्या है। तो मैं समझता हूं कि इसको सिर्फ एक एम्प्टी रेटोरिक, ह्यूमन बींग्स एज कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, इस दृष्टिकोण से निकाल करके और पॉलिटिक्स ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बीते दिनों में काफ़ी बात हो रही है। संभवतः मैं जब आज यहाँ बोल रहा हूँ तो शायद लोकसभा में एक बिल आया होगा कि जनसंख्या नियंत्रण विधेयक। सर, पॉलिटिक्स ऑफ पॉपुलेशन से निकल करके पॉलिटिक्स ऑफ लाइफ होनी चाहिए। हाउ टू इंश्योर दैट, हाउ टू प्रोटेक्ट, हाउ टू मेक श्योर दैट नोबडी सेज गुड बाय टू दिस वर्ल्ड बिकॉज द वर्ल्ड डिड नॉट हैव इनफ टू मेक श्योर दैट ही और शी लिव्स द काइंड ऑफ लाइफ ही और शी वॉज एक्सपेक्टेड टू। मैंने पिछली बार भी कहा था, सदन को स्मरण कराना चाहता हूं, हमारे एक साथी वहां थे, एक साथी यहां थे, राजीव सातव, उनकी वैकेंट सीट्स पे आई हैं रजनी जी। शायद सर राजीव सातव, मैंने उस दिन भी कहा और वहां हमारे साथी जो उड़ीसा से थे, सर ये कोविड से नहीं गए, हमारी व्यवस्थाओं की चूक की वजह से गए। और ये लाखों लोग जो इस देश में काल कवलित हुए, जिनकी मौत हुई, उसके लिए जिम्मेवार हमारी व्यवस्था है। और व्यवस्था कौन बना रहा, हम बना रहे हैं ना व्यवस्थाएं, इस पर गौर करने के लिए। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, मैं ये बिल लेके आया, मैं जानता हूं ये बिल यहां नहीं पास होगा, लेकिन आपकी दृष्टि रहेगी, आपकी नजर होगी तो ये सरकार। सर, प्राइवेट मेंबर बिल का इतिहास मैंने पूरा पढ़ लिया है सर, हाँ एक्सेप्ट करेंगे और नहीं। झा साहब आप बोल। सर, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, इससे बड़ा कमिटमेंट आपका नहीं हो सकता। लोग सरकार क्यों चुनते हैं सर? सरकार लोग चुनते हैं आसमानी बातों के लिए नहीं चुनते हैं, चाहे आप चुने गए या कभी ये चुने गए या कभी आप चुने ना जाएं, ये चुने जाएं, ये जो भी होगा ये तय है कि आसमानी मुद्दों के लिए आपका चयन नहीं होता है। आप सरकारें चुनी जाती हैं जो मौलिक चीजें हैं, क्या मौलिक हो सकता है जीवन से बेहतर और जीवन से उच्चतर, उसकी ओर मैं समझता हूं कि ध्यान आकृष्ट करना
बहुत ही आवश्यक है। सर, कई लोगों ने समय समय पर आगाह भी किया है सरकार को, पैंडेमिक के पहले, पैंडेमिक के बाद और पैंडेमिक के दौरान बहुत लोग पता नहीं, पॉल फार्मर एक डॉक्टर थे सर, वो बॉस्टन से पढ़ने के बाद ज़्यादातर समय उन्होंने हैती में लगाया, और वो एक किताब भी बड़ी अच्छी उनके बारे में है, ट्रेसी किडन ने लिखी है, माउंटेन्स बियॉन्ड माउंटेन्स। हमें उस तरह की व्यवस्थाओं की ज़रूरत है, और मुझे स्मरण है कि पेंडेमिक के दौरान हमारे एक मित्र भी हैं, काफ़ी गंभीरतापूर्वक उन्होंने राइट टू हेल्थ के दृष्टिकोण से, एम्स में प्रोफेसर हैं प्रोफेसर शाह आलम, उन्होंने भी लगातार सरकार से आग्रह किया कि पब्लिक हेल्थ को लेकर के जो हमारा नज़रिया होना चाहिए, क्योंकि कोविड के एक मेमोरियल की ज़रूरत हमारे इस देश को है, जैसे है ना होलोकास्ट मेमोरी मेमोरियल, उसी तरह से कोविड मेमोरियल, जो कि हमें रिमाइंड करेगा कि हमसे कहाँ चूक हुई, हमारी चूक और अव्यवस्था की वजह से कैसे जाने गई, क्योंकि एक स्मृति लोपसा हो गया है सर। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे स्मरण है पिछले वर्ष जब हम इसी सदन में चर्चा कर रहे थे, तो सबकी आंखें लगभग भरी हुई थी, लोगों ने अपने निकट के लोग खोए थे। सर, एक साल नहीं बीता, हमें लगता है वो पुराने ज़माने की बात थी, हम उससे बहुत आगे निकल करके आ गए। ये जो स्मृति लोप का क्षण है, ये नहीं होना चाहिए। मेरा एक आग्रह होगा कि इससे पहले कि मैं थोड़ा और दो चार बिंदु आपके समक्ष रखूं, सर आज आने से पूर्व मैंने सोचा कि थोड़ा इस पर शोध करूं। माननीय मंत्री जी, मुझे आपकी पूरी तवज्जो चाहिए, गंभीरता चाहिए, क्योंकि बहुत ही आप ही करेंगे तो कुछ निकल करके आएगा फाइनली। माननीय स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार के दृष्टिकोण आग्रह कर रहे हैं सदस्य की, आप उनकी बात सुने प्लीज। बात सुनिए ना सुनिए, सुनते हुए दिखिए बस। एनीवे सर, मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देख रहा था 2 सितंबर 1949 को इस विषय पर, 2 सितंबर 1949 को इस विषय पर बेहद चर्चा हुई थी, और हमारे एक महत्वपूर्ण सदस्य थे HV कामत, हरिविष्णु कामत, उन्होंने इंटरवेंशन किया था और शुरुआत की थी शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी कि स्वास्थ्य ही वो सीढ़ी है जिससे जीवन की उच्चतम श्रेणी तक आप पहुंच सकते हैं। और उन्होंने इस बात को रखा था कि जो राज्य और केंद्र का मामला होता है, उन्होंने कहा सुनिए, रेत पे अगर इमारत बनाने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल होगी। तो रेत से उनका आशय क्या था कि राज्यों के पास संसाधन कम है, केंद्र को चाहिए कि इन मसलों में अगर अधिसंरचना बनाने की आवश्यकता है तो केंद्र को प्रोएक्टिव रोल लेना होगा। ये बात 2 सितंबर 1949 को हरिविष्णु कामत ने कही थी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि दोहरा रहा हूं, और अगर अच्छा लगे तो माननीय मंत्री महोदय इस पर गौर करेंगे। सर, मैंने पहले कहा यह सिर्फ एक लीगल इश्यू नहीं है जो मैं यहां रख रहा हूं, इट्स अ मॉरल इश्यू सर, मॉरल इश्यू, बिकॉज when an ordinary voter goes down to put the EVM button, he or she simply doesn't look at the candidates or the political parties, he or she looks at the possibility of widest possible imagination from the person he or she is voting. Uska tatparya kya hai sir? Uska tatparya hai ki mujhe swasthya रोजगार जैसी चीजों को लेकर के मुझे बेगिंग बोल की लेकर के ना खड़ा होना पड़े। सर, हाल के दिनों में बड़ी चर्चा होती है, मैंने इसी सदन में कहा था, कई दफा लगता है कि कई सारी चीजें रिपीट करनी पड़ती हैं। फ्रीबीज, मुफ्तखोरी, मुफ्त का ये राशन, मुफ्त की दवाई, सर मैंने कहा था प्लीज, ये आदमी को डिमीन कर रहा है आपके नागरिकों को, आप वेलफेयर स्टेट हैं अब तक थैंकफुली, और चूंकि वेलफेयर स्टेट हैं तो इसमें यह मुफ्त शब्द का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। अब तक है मुफ्त शब्द के इस्तेमाल से ना आप बेटास एक मिनट, मुफ्त शब्द के इस्तेमाल से आप एक बड़ी आबादी को डिनाइग्रेट करते हैं, अपमान होता है उनका, और उनके नागरिकों के अपमान का अधिकार हम में से किसी को नहीं है। अरे आप देते क्या है, अनाज, एक वैक्सीन, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खैरात में तब्दील मत करिए।
उत्तरदायित्व और खैरात में बहुत फर्क है, और मैं देख रहा हूं कि अधिकांश राज्य सरकारें भी इसी मॉडल को अपनाने लगी, उनको लगता है ये सबसे बढ़िया मॉडल है। करोड़ों के इश्तेहार छपवाओ लंबे लंबे और ये बताओ कि आपको हम मुफ्त में ये दे रहे हैं, मुफ्त में वो दे रहे हैं, मुफ्त में वो दे रहे हैं। नहीं साहब, आप मुफ्त में कुछ नहीं दे रहे। एक एक चीज के लिए उस व्यक्ति ने, नागरिक समूह ने पैसे दिए हैं। आज जो हम अट्टालिका खड़ी कर रहे हैं ना सामने सेंट्रल विस्टा, वो भी उसी गरीब के पैसे, गरीब का भी पैसा उसमें, उससे। तो ये दृष्टिकोण बदलने की भी सर आवश्यकता है। मैं सदन में पहले भी कह चुका हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये मुफ्त शब्द फ्री, दिस शुड बी डन अवे विथ, इट शुड बी जेटिसन्ड, इसको उड़ा करके फेंक दिया जाए। ये शब्दावली हमारे लोकतंत्र को, उसकी गरिमा को, उसके चरित्र को शर्मसार करती है। अनपार्लियामेंट नमस्कार, विल एग्जामिनेट ब्रिटिश सर, मैं सिर्फ इतना कहना, विल एग्जामिनेट, आई हैव टोल्ड यू सर, जीने का अधिकार, राइट टू। मैं के दृष्टिकोण से कहूं, ये पहला शुक्रवार है जब से मैं इस सदन में आया हूं इतनी बड़ी संख्या में सदस्य। मेरा सबसे आग्रह होगा कि ऐसा ही माहौल रखें। जी सर, ऐसा ही माहौल रहना चाहिए सर, क्योंकि बाकी चीजें अपनी जगह। अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है ना, तो इतनी संवेदना सबके अंदर होनी चाहिए, अन्यथा लोकतंत्र के नाम पे इमारत बचेगी या संग्रहालय में चला जाएगा लोकतंत्र। एनीवे सर, मैं दूसरी चीज कह रहा था कि जीने का अधिकार की जब हम बात करते हैं, राइट टू लाइफ, एंड विच इज अ फंडामेंटल राइट, हाउ डू वी एड्रेस दैट राइट टू लाइफ इश्यू अनलेस वी हैव द करस्पॉन्डिंग राइट्स अवेलेबल, एंड व्हाट आर दोज करस्पॉन्डिंग राइट्स? राइट टू हेल्थ, उसके बगैर कैसे इंश्योर करेंगे? और ये ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूं, देर आर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, क्लियर कट अनएम्बिगुअस प्रोनाउंसमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस दैट राइट टू हेल्थ शुड बी इंटीग्रेटेड विथ राइट टू लाइफ इफ यू विश टू अचीव द कंप्लीटनेस ऑफ द होलसम नेचर ऑफ राइट टू लाइफ। इतनी सी बात समझने में हमें पता नहीं क्यों विलंब होता जा रहा है। सर, एक लैटिन उक्ति है, उबी जस रेमेडियम, वेर एवर देर इज अ राइट देर शुड बी अ करस्पॉन्डिंग रेमेडी, एंड इफ देर इज अ ब्रीच देर शुड बी करस्पॉन्डिंग एक्शन। अगर इस नजरिए से हमने अपने स्वास्थ्य की चीजों को देखा होता, आज ही सर हमारे सीनियर रामगोपाल जी यहां बैठे हुए हैं, आज माननीय मंत्री जी से बात कर रहे थे एक केस के बारे में, दिल्ली के एक अस्पताल ने आयुष्मान भारत वगैरह वो कार्ड नहीं लिया, 50 लाख का बिल बनाया। सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सर रामगोपाल जी, सर 50 लाख। आई नो माई फ्रेंड्स, दे रिकवर्ड फ्रॉम कोविड, डाइड ऑफ द शॉक ऑफ द लॉन्ग ह्यूज बिल्स। सर मैं बाजार विरोधी नहीं हूं, अन्यथा ना लिया जाए मैं जानता हूं, लेकिन बाजार लाभ हानि पे चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस, और जिंदगी लाभ हानि के दृष्टिकोण से नहीं चलती है। सर जिंदगी को लाभ हानि के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे ना, तो तराजू में जिंदगी भारी होगी। सर तो अगर वो भारी है, तो मैं समझता हूं कि बाजार के समक्ष हमने जो आत्मसमर्पण करा दिया है अपनी पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को, उस पर एक लगाम जरूरी है। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि बाजार को आप इतनी आजादी ना दें कि आम नागरिक गुलाम हो जाए, आम नागरिक के पास कोई विकल्प ना बचे। सर अगर सरकारें चाहें तो हमारे पास व्यवस्था है, जैसे मैंने एक जिक्र किया था कई हमारे पास काफी बंधुआ मुक्ति मोर्चा वाला जजमेंट 84 का था सर, उसके बाद अगर आप देखें तो आर्टिकल 39, आर्टिकल 47 और इन सब को छोड़िए, उसके अलावा पंचायती राज 11th शेड्यूल में भी देखते हैं तो 243G में इसकी पर्याप्त व्यवस्था है। तो सरकारों को अगर ये पॉलिटिकल विल होगा, पॉलिटिकल इमेजिनेशन होगा, तो कोई चिंता का विषय नहीं, आप आसानी से इसे हासिल कर सकते हैं। सर जब मैं राइट टू हेल्थ की बात करता हूं, तो ये क्या इनकॉर्पोरेट करता है? सबसे पहले अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ये दोनों बेहद आवश्यक चीज है। अवेलेबिलिटी
अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी। आप अपनी हेल्थ के पूरे स्ट्रक्चर को देख लीजिए, अवेलेबिलिटी में दिक्कत है, एक्सेसिबिलिटी में दिक्कत है, अफोर्डेबिलिटी की मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि वो सब हम सब उसके भुक्तभोगी हैं, आप और हम सांसद हैं। भगवान न करे अगर हम आप बीमार पड़ गए अभी और हमें जाना पड़े तो एक मिनट झा जी। माननीय सदस्यगण, जैसा आपको पता है माननीय चेयरमैन साहब ने सूचित किया है पूरे सदन को कि वाइस चेयरमैन का नया पैनल बन चुका है। सुश्री इंदु बाला गोस्वामी जी नए पैनल में हैं, आज पहली बार आसन पर वह बैठ रही हैं। हाउस की तरफ से संचालन की और मेरी ओर से उनको बहुत शुभकामनाएं। प्लीज कंटिन्यू। या थैंक यू मैम वाइस चेयरपर्सन, कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू। मे आई कंटिन्यू नाउ मैम? जी तो मैं ये कह रहा, मैं कंटिन्यू। असल में एक चीज कहना चाहता था कि चेयर में पहली बार आपको देख रहा हूं तो वो पूरा विजुअल पिरामिड को भी एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। एनीवे मैम, तो जब मैं मौलिक अधिकार के अंदर लाने की बात कर रहा हूं तो उसके बारे में एक स्पष्ट दृष्टिकोण ये है कि एक बार अगर हमने स्वास्थ्य को जीवन का अधिकार के साथ जोड़ते हुए मौलिक अधिकार में ले लिया तो मैं नहीं समझता हूं कि बाजार के कोई रॉन्ग प्लेयर हों या कोई रॉन्गफुल चीज़ें होंगी, हमारे पास पुख्ता व्यवस्थाएँ होंगी। मैम मैं ये देख रहा था कि लैंसेट की एक स्टडी कहती है कि हर वर्ष 24 लाख मौतें होती हैं हमारे मुल्क में उन चीज़ों से, मैं बाकी मौतों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ जो ट्रीटेबल डिजीज है। ये तो हमारी चूक है ना, ये तो हमारा फेलियर है, ये हमारे सिस्टम का फेलियर है। हालांकि मैं सिस्टम शब्द को भी नहीं उचित मानता क्योंकि सिस्टम है क्या, सिस्टम हम आप हैं, उसका फेलियर है, ये लैंसेट की स्टडी कहती है। मैं क्यों ये कह रहा हूं, मेडिकल कारणों से पलायन भी होता है सर, जो मैं एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी, मैं उस राज्य से आता हूं जहां कहने को एम्स है, नए बने हैं, लेकिन आप अभी चले जाइए दिल्ली के एम्स, गलियारे में बेड के इंतजार में हजारों लोग बिहार के आपको मिलेंगे, अंदर नहीं एंट्री हो पा रही है। ये क्यों हो रहा है? जब मेडिकल कारणों से पलायन होता है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, तो एक पूरा घर मूव करता है, वो दिल्ली में आकर ठिकाना लेता है, किराए का मकान लेता है, रसोई का इंतजाम करता है, ठीक हो या ना हो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, वो गरीबी में चला जाता है। 230 मिलियन लोग ऑन एन एवरेज फर्स्ट कोविड वेव के बाद, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की स्टडी है, वो गरीबी में चले गए, गुर्बत उन पे हावी हो गई। मैं इसलिए बार बार, पिछले दफे भी बात में मैंने कहा था कि हम लोगों को ये तय करना होगा कि ये जो ओवरचार्ज करते हैं हॉस्पिटल्स, जैसा मैंने एक उदाहरण दिया, सैकड़ों उदाहरण हैं, ये जो मेडिकल माइग्रेशन होता है जिसकी वजह से परिवार के परिवार छत विछत हो जाते हैं, आखिर इसका निदान क्या है? निदान इसका एकमात्र है मेडिकल पॉवर्टी को चेक करना है, वो लगातार बढ़ रही है मेडिकल पॉवर्टी। हम लोगों ने अब तक पढ़ा था एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, अब देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड मेडिकल पॉवर्टी। मेडिकल पॉवर्टी इज द रीजन, is the outcome of our failure to address the core issues, failure to provide affordable health care, universal health care, accessible health care। तो इसको हम एक कैटेगरी में ये कह दें कि मेडिकल ये उधर का मसला है, इससे हमारा कुछ खास लेना देना नहीं। बस दो तीन मिनट और लूंगा मैम। मोर देन एनीथिंग एल्स मैम चेयरपर्सन, थ्रू यू टू माय फेलो members as well as honorable minister, so in the 75th year of India's independence,
celebrating independence, worshipping and celebrating the heroes, having tricolor at every home is important. These symbols are very important. But democracy and our collective will should move beyond hollow symbolism. We must address the core issues. And there is nothing more important than ensuring that everybody gets free health care, irrespective of strata, irrespective of the location, irrespective of the region, irrespective of the voting pattern or voting behavior. And I would reiterate, never call it free. Never call it, we have done it to you and you did not deserve. Now, ma'am, just a couple of things before I conclude. This House must also urge the government, I mean the House, not individual parties or members, that the GDP we spend on health should be toned up. It should go high. Because more often than not, we have seen that governments, before coming to power, they make a commitment that we'll spend this much of amount of GDP, this proportion of GDP on health. And every time, education and health are the biggest casualty. Arey sahab, swast aur shiksha se behtar aapke paas koi na upkaran hai, na chunauti hai, na prathmikta hai. Agar ye hum aap sabke beech mein swikarya hai, to hamari GDP ka ek bada hissa wahan kharch hona chahiye. मैं एक बार पुनः एक बात कहूंगा लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पे आने से पहले ये जो इंश्योरेंस मॉडल है इस पर भी माननीय मंत्री महोदय पुनर्विचार होना चाहिए दिस इंश्योरेंस मॉडल ऑफ हेल्थ केयर इज एक्चुअली हेवीली टिल्टेड इन फेवर ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस कंपनीज का बहुत फायदा हो रहा है मैं मानता हूं अगर हमारी चिंता इंश्योरेंस कंपनीज को पुष्पित पल्लवित करने में है तो जाहिर तौर पर आप करिए जो आप कर रहे हैं लेकिन अगर आपकी चिंता 140 करोड़ हिंदुस्तानी नागरिकों में तो आप इंश्योरेंस मॉडल को रिविजिट करिए मैं इसको खारिज करने की बात नहीं कर रहा हूं विजिट हैव मल्टीपल स्ट्रेटा शुड हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट अगर हम वो कर पाएंगे तो शायद बेहतर कर पाएंगे मैम आखिरी में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की बात होती है अब आप देखिए स्टेट सब्जेक्ट है मैंने जीडीपी की बात पहले ही की स्टेट सब्जेक्ट है लेकिन हेल्थ को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स देखिए राज्यों की देखिए क्या ये बेहतर नहीं होगा कि एक बेहतर समन्वय हो और उस बेहतर समन्वय के आधार पर एक इनेबलिंग लेजिस्लेशन सेंटर से जाए ताकि जो मौलिक अधिकार की हम बात कर रहे हैं उसमें हम हासिल कर पाए दो साल के कोविड ने हमें बहुत सारी चीजें दी है और सबसे बड़ी चीज यह एक दी है कि हेल्थ हमारे पॉलिटिकल विल में आने की कोशिश कर रहा है पॉलिटिकल इमेजिनेशन में आने की कोशिश कर रहा है यहां बांध ना बनाया जाए दरवाजे ना बंद किए जाएं मैं सिर्फ इतना कहूंगा आखिर में जब तमाम चर्चा होगी तो मैं कुछ अपनी बातें बाद में रखूंगा मैम चेयरपर्सन लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हेल्थ को कंप्लीट पैराडाइम में देखना होगा प्रतिमान उसका देखना होगा मेंटल हेल्थ का मामला है एक किताब है द मिथ ऑफ मेंटल इलनेस हमारे अपनी वोकैबुलरी में इन दिनों भी कितनी सारे शब्द हैं जो हम चाहे अनचाहे उपयोग में लाते हैं और वो सारे शब्द डिमीनिंग हैं अगर हमारे देश का कोई नागरिक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो कहीं ना कहीं हम सबको एक चुनौती देता है कि हम चूंकि अस्वस्थ हैं हम उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित नहीं हैं अतः ये छवियां हम देख पा रहे हैं मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सदन के अपने साथियों का इस पर विशद चर्चा हो ये चर्चा मैंने आरंभ में ही कहा था कि ये दलों के दायरे से परे हैं जब मौत इस तरह की महामारी में आती है ना तो वोटिंग पैटर्न देख के मौत नहीं आती है ये बीजेपी को वोट किया ये बचा रहेगा ये कांग्रेस को वोट किया ये बचा रहेगा ये जदयू को वोट किया बचा रहेगा ये सीपीआई को वोट किया नहीं बचेगा ऐसे नहीं चूंकि ये दलों के दायरे से ऊपर है हम सबको एक संकल्प लेकर के और सरकार से आग्रह करना होगा मनसुख भाई हमारे
हेल्थ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, बड़ी खुशी होगी कि अगर इसी सत्र में एक राइट टू हेल्थ के मसौदे पर विचार हो, ताकि एक संदेश जाए। वो जो लाखों लोग दुनिया से गए हैं ना, उनको श्रद्धांजलि अभी ढंग से नहीं मिली है। पहली बात तो हमने उनकी मौतों को माना ही नहीं कि कोविड से मरे हैं, और अब अगर मान भी लिया कहीं तो श्रद्धांजलि सभा नहीं हुई। ये सदन एक श्रद्धांजलि सभा भी है आज उन मौतों का, और उन मौतों को, मरे हुए व्यक्तियों को एक गारंटी है सदन की ओर से, हम बहुत जल्द वो व्यवस्था बहाल करेंगे कि आपकी आपकी श्रेणी में इस तरह की मौतें फिर ना हो। जय हिंद मैम, जय हिंद सर। मोशन मूव्ड।